नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि पहली सबसे महत्वपूर्ण सूचना कल होने वाले धरना प्रदर्शन से संबंधित, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदर्शन के लिए युवाओं ने लगाया दम। तो जो भी बेरोजगार युवा हैं इलाहाबाद या पूरे प्रदेश के, सभी युवाओं से यह निवेदन है कि 12 जनवरी यानी कल धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग पहुंच करके धरने को सफल बनाएं। युवा दिवस के सफल बनाने के लिए छात्रों ने झोंकी ताकत, सरकारी प्रोपोगंडे के बजाय रोजगार के सवाल को हल करें योगी सरकार, युवा मंच प्रयागराज। 10 जनवरी 2021 को यह अपडेट मिली। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद की जयंती के मौके पर रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। युवा दिवस विवेकानंद की जयंती के मौके पर रोजगार के अधिकार के लिए बालसन पर आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए छात्रों ने कमर कस ली है। प्रयागराज की डेलीगेसियों, कोचिंगों और छात्रावासों में मीटिंग व जनसंपर्क जारी है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रदेश भर के छात्रों को सक्रिय किया जा रहा है। तो इस तरह से मित्रों, आप सभी से निवेदन है एक बार पुनः से, 12 जनवरी में होने वाले प्रदर्शन में आप सबको अपनी सहभागिता निभाएं, शांतिपूर्ण ढंग से की बात सरकार तक पहुंचाएं। अगली सूचना निकल के आ रही है सबसे महत्वपूर्ण, 2018 तृतीय सेमेस्टर में 31,000 फेल, 29,000 पास। यह सूचना डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए है। डीएलएड का जो रिजल्ट है 2018 का तृतीय सेमेस्टर का, वो जारी कर दिया गया है। 31,000 लगभग अभ्यर्थी फेल हो गए हैं और 29,000 अभ्यर्थी पास हैं, यानी लगभग आधे के बराबर अभ्यर्थी पास और फेल हुए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय ने रविवार को डीएलएड के अलग अलग सत्र के तृतीय सेमेस्टर का परिणाम जारी कर दिया। इसमें तृतीय सेमेस्टर का जो परिणाम चौंकाने वाला आया है, उसमें लगभग 31,000 अभ्यर्थी फेल हैं जबकि 29,000 अभ्यर्थी ही सिर्फ पास। यह रिजल्ट वाकई में चौंकाने वाला है। आगे दिया है, इसमें तृतीय सेमेस्टर का परिणाम चौंकाने वाला रहा, इस उक्त सेमेस्टर में पास से ज़्यादा अभ्यर्थी फेल हैं। डीएलएड 2017 में 22,962 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परीक्षा में 22,495 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, इनमें से 12,804 पास हैं व 9,647 फेल हैं, जबकि 6 अभ्यर्थियों का परिणाम अपूर्ण और 36 का परिणाम अवरुद्ध है। जबकि डीएलएड 2018 बैच में 61,878 प्रशिक्षुओं का पंजीकरण था। परीक्षा में लगभग 61,519 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से कि 29,259 पास और 31,863 फेल हुए हैं। तो यह जो रिजल्ट है काफ़ी चौंकाने वाला है। अगली सूचना है शिक्षक भर्ती 72,825 से। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से शिक्षकों का बीटीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है। आने वाले दिनों में उनका जो तैनाती है वो भी बर्खास्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि 72,825 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत कई चयनित होकर के अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिव्यांग कोटे से प्रवेश लेकर के आगे की उसका लाभ लेने वाले शिक्षकों की जाँच चल रही है। जाँच के दौरान 11 से ऐसे शिक्षकों की जानकारी हुई है जिन्होंने दिव्यांग कोटे में प्रवेश लेकर नौकरी में भी उसका उपयोग किया था। जांच में खुलासा होने के बाद ऐसे 11 शिक्षकों का बीटीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है। तो कुछ ऐसे 11 अभ्यर्थी गलत तरीके से पहुंचे थे जिनका कि अभ्यर्थन रद्द किया गया है। अगली सूचना निकल के आ रही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अतिथि प्रवक्ता के 215 पदों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित। यह आवेदन इसमें शुरू हो गया या भर्ती प्रक्रिया शुरू है। दिया है रसायन विज्ञान में सर्वाधिक 16 पद, बीए एलएलबी में 11 पद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की विभिन्न विभागों में सेंटर एवं इंस्टीट्यूट में अतिथि प्रवक्ताओं की जो भर्ती प्रक्रिया है उसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है और भर्ती प्रक्रिया शुरू है। लगभग 215 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न कराई जाएगी। इसमें 36 विभागों में अतिथि प्रवक्ताओं के लगभग 202 पद शामिल हैं।
इन पदों में 83 पद अनारक्षित, 20 पद EWS, 54 पद पर अन्य पिछड़ा वर्ग, 30 पद पर अनारक्षित जाति एवं 15 पद पर अनुसूचित जनजाति आवेदन मांगे गए हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है मित्रों। जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वह विश्वविद्यालय की साइट पर जा करके आवेदन कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है, एडेड डिग्री कॉलेजों में भर्ती के लिए एजेंसी का चयन जल्द और भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी। यह सूचना तो बार बार समाचार पत्रों में आती रहती है, सिलेबस भी संशोधित हो रहा है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी, कब ऑनलाइन फॉर्म होंगे, अब तक स्पष्टीकरण नहीं मिल पा रहा है। एजेंसियों की रही चुनाव की बात, तो एजेंसियों का चुनाव चल रहा है लेकिन कब तक ये चलेगा इसका कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं है। बहरहाल भर्ती प्रक्रिया जरूर संपन्न होगी और ज़रूर आएगी, आप सभी अभ्यर्थी इस पर तैयारी करते रहें। जैसा कि आज समाचार पत्रों में दिया है, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए प्राचार्य एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी और लिखा है, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की मौजूदा समय भर्ती कराने के लिए एजेंसी का चयन करने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। एजेंसी का चयन करने के बाद प्राचार्य पद के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने के साक्षात्कार की तैयारी की जाएगी, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 50 निकाल कर आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। लिखा है, इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की 2016 पद की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी का कहना है कि एजेंसियों के आवेदनों का परीक्षण करने का काम अंतिम दौर में है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अधियाचन में शैक्षिक आरक्षण का भी की स्थिति स्पष्ट को उच्च शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा गया है। तो इस तरह से जल्द ही मित्रों भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, आप सभी अपनी तैयारी जारी रखें और जल्द ही इसमें आवेदन आपसे आमंत्रित भी किए जाएंगे, मांगे भी जाएंगे। अगली सूचना निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, धरनारत युवाओं ने मांगी इच्छा मृत्यु। 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटियों की वजह से छठे हैं अभ्यर्थी, बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने 35 दिनों से कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। वे अभ्यर्थी जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगभग 35 दिनों से बेसिक शिक्षा निदेशालय कार्यालय के सामने, उन्होंने राष्ट्रपति व राज्यपाल को पत्र लिख करके इच्छा मृत्यु की मांग की है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरना दे रहे शिक्षक अभ्यर्थियों ने रविवार को राष्ट्रपति और राज्यपाल को पत्र लिखकर के इच्छा मृत्यु की मांग की है। वे युवक युवतियां लगभग 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटियों की वजह से छटने के बाद आंदोलन कर रहे हैं। जैसा कि दिया है, काउंसलिंग के बाद भी नहीं दी गई नियुक्ति। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तो कराई गई लेकिन नियुक्ति नहीं दी गई। आगे लिखा है, धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने बताया कि उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था लेकिन फॉर्म और मूल अभिलेखों में अंतर की वजह से नियुक्ति से बाहर कर दिया गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि कई दिनों तक कोई सुनवाई न होने के चलते हम लोगों ने राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से इच्छा मृत्यु की मांग की है। 69,000 शिक्षक भर्ती लगभग संपन्न हो चुकी है लेकिन अभी भी इसमें जो मामले हैं वह जारी हैं। अगली सूचना निकल के आ रही है, UPSC से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द जारी कर सकता है परीक्षा कैलेंडर, जो कि सूचना प्राप्त हो रही है, जल्द ही परीक्षा कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही RO/ARO की जो 2021 की भर्ती परीक्षा है उसको भी जल्द संपन्न कराने की बात चल रही है। तो आयोग से जैसा कि सूचना प्राप्त हो रहा है, जल्द ही यह अभ्यर्थी भी आपको देखने को मिलेगी और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी परीक्षा कैलेंडर जारी होते ही। तो अगली सूचना निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा से, पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने मृतक आश्रित कोटे की भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 443 मृतक आश्रितों ने हिस्सा लिया था, इसमें से 293 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं। अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के आयोजन के बारे में वेबसाइट पर सूचना जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। तो वे अभ्यर्थी जो इसमें शामिल थे वो आयोग की वेबसाइट पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आगे की सूचना आने पर हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। तो इस तरह से यह एक महत्वपूर्ण अपडेट थी दरोगा भर्ती परीक्षा से।
अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है 2016 भर्ती परीक्षा लेखाकार कोषागार भर्ती परीक्षा से जो UPSSC के द्वारा कराई गई थी, जैसे ही सरकार बदली भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई और तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर हो गए। और इसमें अध्याचन जो पदों के लिए दिया भी गया था उस पदों पर अध्याचन वापिस भी कर लिया गया था, भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई थी, उसी को लेकर के कोर्ट केस चल रहा है और कुछ आरक्षण वगैरह की भी बात थी इसमें। तो इन सभी को लेकर के जो कोर्ट की अपडेट है वो 18 जनवरी को आपको प्राप्त होगी। जैसा भी होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित करें। सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः से निवेदन, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।